वेलकम बैक टू नाइटिंगल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के द्वारा जो वैकेंसी आ चुकी है, जी हाँ, इसकी वैकेंसी जो है पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी पूरी अपडेट, तो बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो डॉट का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो एम्स की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या फिर CHO की वैकेंसी हो, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैं आपको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि स्टार्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी लास्ट डेट जो थी वो एक्सटेंड हो गई है। पहले 27 दिसंबर था, उससे बढ़ के ये जो है 15 फरवरी हो चुकी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फीस इन बाई SBI ब्रांच के द्वारा ये 28 फरवरी तक हो चुकी है, जो पहले 30 तक थी। ठीक है, तो इसकी हम लोग जो है नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसकी जो है कोरिएंडम डाउनलोड करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ यहाँ पे जो है आ चुकी है इसकी जो है एक्सटेंडेड इन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ जनरल के लिए इसमें टोटल पोस्ट जो था 182 था, जिसमें जनरल के लिए 75, SC के लिए 21, OBC के लिए 35, EWS के लिए 18 और PHPWD OL के लिए यहाँ पे 2, जनरल यहाँ एक सर्विसमैन के लिए जनरल में 10, SC में 5 और OBC में 16, टोटल आपके 182 पोस्ट थे। इसके बाद जो है द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन हेयरली एक्सटेंडेड अप टू द 15/2/2020 यहाँ पे दिया गया है 22। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस वो भी 18 तक हो गया है, 18 फरवरी तक। मतलब फर्दर डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको GMCH वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसकी जो ऑफिशियल साइट, वहाँ पे क्लिक करना है और फिर अपना जो है फॉर्म जो नहीं भर पाए हैं वो जो रहेगा वो फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, और बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब सेम रहेंगे, बस जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी अपडेट। इसके अलावा जो है यहाँ पे दिया गया है पूरी अपडेट आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आपके ऑफिशियल साइट पे दे दी गई है, यहाँ पे चाहिए। और यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट कैन सेंड ईमेल, इस ईमेल पे भी आप सेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कुछ टेक्निकल अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस ईमेल से आप मतलब अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट। और इसकी ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ये अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ईमेल आईडी करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके लिए फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आप डिटेल इसमें भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी है वैकेंसी है, ऑल इंडियन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट जो रहेगा आपका लगभग 70 से 80 हज़ार तक आपकी इसमें पेमेंट जो है रहेगी, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।